आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही हेल्दी है और बच्चों की डिमांड पर मैंने बनाया है। और घर की पड़ी हुई सब्जी, मतलब जो घर में आपकी सब्जियां पड़ी हैं वो आप यूज़ में ले सकते हैं। तो मेरे पास गाजर पड़ा हुआ था और लौकी और बीन्स की फली पड़ी थी, तो मैंने इन सबको यूज़ में ले लिया है। और इन सबको जो है ना आपस में मिला करके मैं बेसन का चीला बनाऊंगी। तो यहाँ पर गाजर को ग्रेट कर लिया, लौकी को ग्रेट कर लिया है और एक छोटी सी प्याज को चॉप्ड कर लिया है और बीन्स पड़ी थी तो बीन्स को भी बारीक बारीक हमने काट लिया है। इन सबको मिला लेंगे और स्वाद के लिए थोड़ा सा हरा मिर्च दो काट लिया है। अब यहाँ पर मैं एक कटोरी बेसन ले लूँगी, आप अपनी ज़रूरत अनुसार बेसन ले सकते हैं। अब इन सबको आपस में मिक्स करेंगे और जो है ना स्वाद अनुसार थोड़ा नमक भी डाल देंगे। बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। और डाइट कर रहे हो, मतलब जिम जाते हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, उसके लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट है और नाइट में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दिया है, डाइजेशन के लिए सही रहता है। बच्चों के पेरी पेरी और पिज्जा आर्गिनो का इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इन सबको भी ले लिया है और इसे मैं मिक्स कर दूँगी। पेरी पेरी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ये ज़रूर से आप इसे डालें, बच्चे खाना पसंद करेंगे। और बच्चों को आप स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत पसंद से इसे खाएंगे। इसके बाद इसको हम मिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। बहुत हेल्दी नाश्ता है, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें आप। और अच्छे से हाथ वाश करके इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, और नहीं तो आपके पास दही पड़ी हो तो वो डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन लौकी और गाजर इनको डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। सिर्फ लौकी का भी बनाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छा बनेगा, और दही ऐड कर देने से तो इसके स्वाद में चार गुना चार चांद लग जाता है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इस तरह का ठीक थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा जो है ना इसका बैटर पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठीक हो। उसके बाद तवा हम रख देंगे गर्म होने के लिए, और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। और उसके बाद थोड़ा सा तेल या घी बटर जो आपको पसंद हो उस पर लगा देंगे तवे पे। उसके बाद एक दो चम्मच जितना बड़ा आपको खाना पसंद है इसको धीरे धीरे फैलाएंगे। बहुत ही बढ़िया चीला बन के तैयार हो जाता है और हेल्दी भी है, कम तेल भी लगता है इसमें, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाता है। और इसको धीमी धीमी आंच पे ढक के हम पकाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। आप चाहे तो ना भी तेल डालें, अगर हेल्दी बना रहे हैं अगर तो तेल तो ना ही डालें तो अच्छा, लेकिन बच्चों को जो है ना थोड़ा क्रिस्पी पसंद आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल दिया है। और बहुत ही आसानी से ये छूट जाता है, धीमी धीमी आंच पे पकाइएगा इसे, और देखिए क्या बढ़िया कलर इसका आया है। इसे ज़रूर एक बार आप ट्राई करिए और सिर्फ लौकी का बना के देखिए, बिल्कुल स्पंजी बन के तैयार होता है। तो मेरे पास जो सब्जियां थी उनका मैंने बना दिया, और यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।